ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इस मेले दौरान होशियारपुर तो माता चिंतपूर्णी के मंदिर तक जाने वाले रस्ते दे विच श्रद्धालुओं दी जिथे रौनक देखण नूं मिलियां, उत्थे ही जलंधर दे जिहड़े प्रसिद्ध माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है उत्थे एक खास ऐलान कर दिता गया है कि मंदिर दे विच जीन्स कैपरी स्कर्ट समेत कोई भी वैस्टर्न कपड़े पा के मंदिर की मर्यादा नूं भंग नहीं करेगा। तो होर की खास आदेश धार्मिक स्थानां दे लई जारी किए गए ने, आओ सुनते हैं। वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए। संदेश ये है कि मंदिर के परिसर के अंदर कोई भी पुरुष औरत स्त्री कोई भी सभ्यता के अनुकूल वस्त्र पहन के आए, कोई फटे कपड़े या जो आजकल फैशन हुआ है यहाँ वहाँ चारों तरफ फटा हुआ और साथ में छोटे हाफ हाफ साइज के कपड़े ये सब पहन करके मंदिर में नहीं आना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है, उसके लिए जो कमेटी ने प्रतिबंध लगाया है वो बहुत उचित है। इससे भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है तथा हर प्रकार से जो है अच्छा ही अच्छा होता है। हम इससे लेकर यही बोल रहे हैं कि मंदिर में अगर छोटे कपड़े मना किए हैं तो मत डाल के आए करें, तो अपनी पंजाबी सूट डालो, मंदिर में आओ, अपना धर्म पूरा हिंदू धर्म अपनाओ। ये छोटे वस्त्र अच्छे नहीं होते, पंजाबी वस्त्र डालो, सलवार सूट डालो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ इस फैसले से, बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छे ही बच्चों को, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो और कौन देगा, ठीक है ना। हम ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, शुरू से हम सिखाएंगे, अभी भी सिखाना चाहिए कि बच्चों को कपड़े पूरे पहन के आए अपन और भगवान के आगे नमस्कार करें। बस आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर जो बोर्ड लगा दिया गया है कि छोटे वस्त्र पहनें? बड़ा अच्छा फैसला है जो कमेटी ने लिया है, हमें अपनी सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए मंदिर में आते वक्त, बहुत अच्छी बात है। हर माता पिता उस बच्चों को सही वस्त्र डालकर आए, बहुत अच्छा फैसला है। जलंधर तो संदीप कॉल के नाल चढ़दी कला टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।